स्टार्ट करें वही पढ़ना। कोई अंजलि लड़की है ककरोई से, नहीं ठीक है आवाज़ ठीक है, अंजलि लड़की है कोई ककरोई से, उसको ऑफिस में बुला रहे हैं एक बार आपको। चलिए कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लोकसभा, राज्यसभा हो गई थी हमारी कंप्लीट, लोकसभा का भी क्या कहाँ तक पहुँचे थे, क्या पॉइंट पढ़ा था लास्ट। अच्छा योग्यता कंप्लीट, पेज नंबर बता दो मुझे कितना पेज नंबर है, 80। अच्छा लोकसभा ठीक है, लास्ट में पहुंच गए थे लास्ट फोर्थ पे, ठीक है समझ में आ गया। चलो ये सारी चीजें कल हम लोगों ने पढ़ी थी, अब बातचीत बंद करनी पड़ेगी, सुबह से बात ही हो रही थी, अब बातचीत नहीं करनी। एक बार जरा इनमें से राउंड लगाना, जिसके पास किताब नहीं है बाहर कर दो, आज फ्राइडे है ना, मैंने कहा अभी तक किताब निकालो सारे, जिसके पास नहीं है उसको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। चलो अब बिल्कुल शांत होके सामने बोर्ड पे देखो, जो बात करता दिखेगा वो भी बाहर जाएगा किताब होने के बाद भी, जिसके पास नहीं है उसको जाना ही जाना है, जो बात करेगा वो भी। चलो बोर्ड पे देखो अब सब लोग, हम लोग अच्छी तरह समझ गए हमारे देश में एक संस्था का नाम क्या है, जिसके कितने अंग हैं, बड़े वाला अंग है राज्यसभा, छोटे वाला अंग है लोकसभा, और एक पद है जिसे आप कहते हैं भारत का राष्ट्रपति। इसमें इसका पुराना नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोकसभा को पहले भी लोकसभा कहते थे, अभी भी लोकसभा कहते हैं। 1952 में बनी थी ये भी और ये भी, राज्यसभा में 52 में बनने वाले लोग 54 में रिटायर कर दिए थे सिर्फ दो साल बाद, वो कितने लोग थे, 1/3, और फिर दो साल बाद 1/3 कर दिए 54-56 में। 1958 के बाद किसी को रिटायर करना नहीं पड़ा, अपने आप रिटायर होते जा रहे हैं अब तक, जिनको कितने साल हो गए, 6 साल, कितने लोग रिटायर हो जाते हैं, 1/3, कितने साल बाद, 2 साल बाद। क्या लोकसभा का भी यही तरीका है, लोकसभा में एक बार आ गए तो 5 साल तक सेम रहेंगे। आज भी राज्यसभा फर्स्ट चल रही है क्योंकि कभी भंगी नहीं हुई, लेकिन लोकसभा कौन सी चल रही है, 17वीं। कितनी लोकसभाएं भंग हो गई, 16। अब ये 17वीं 2019 में आई थी और 2024 तक रहेगी। लोकसभा से 99% आपका पीएम बनता है, लेकिन कुछ पीएम आपने पढ़े थे, 4 नाम जो कि लोकसभा के नहीं थे फिर भी पीएम बन गए, जिनमें से पहला नाम था इंदिरा गांधी। जब अचानक से शास्त्री जी की मृत्यु हो गई ताशकंद समझौते में, तो इंदिरा गांधी जो कि एमपी थी राज्यसभा की, उनको क्या बना दिया गया, देश का पीएम। और इस बात से एक बहुत एज्ड आदमी नाराज भी हुए थे, मोरारजी देसाई, लेकिन किसी ने सुनी नहीं, और इसलिए इंदिरा गांधी ने उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए उनको क्या बना दिया था, उप प्रधानमंत्री, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये सारी चीजें कल हमने पढ़ ली थी। लोकसभा में टोटल मेंबर कितने हो सकते हैं और हैं 543, हो सकते हैं 550, कैसे 550, 530 जमा 20, ये आएंगे सारी स्टेट्स से और ये आएंगे यूनियन टेरिटरी से। आज की डेट में 530 पूरे हैं, ये 13 आते हैं, कितने कम हैं, किसके कम हैं, ये पीओ के, ये सिर्फ और सिर्फ जनता के भेजे हुए आएंगे। 2020 से पहले आप कहा करते थे यहाँ दो लोग कौन से ग्रुप को बिलोंग करने वाले, एंग्लो इंडियन भी आ सकते हैं, ऐसा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, लेकिन पिछले साल जनवरी में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ा अमेंडमेंट किया गया, 104वां, जिसमें 3 आर्टिकल मैंने बताए थे, 330, 331, 332 और 333। पहले अपने देश के एससी एसटी के लिए आरक्षण की बात करेगा, फिर देश के एंग्लो इंडियन, फिर राज्य के एससी एसटी, फिर राज्य के एंग्लो इंडियन। ये बात करता है लोकसभा में एससी एसटी के रिजर्वेशन की, मैंने कल भी ये बात की थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एससी की कितनी सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में, 84, और एसटी की कितनी है, 47। कहां आरक्षित है ये, लोकसभा में एससी एसटी। ये क्या इतनी ही है या अब बढ़ा दी गई है, इतनी ही है, कब तक नहीं बढ़ाएंगे, 2024 तक, और इसको आपने फिर से पुख्ता कर दिया अगले 10 सालों के लिए, कौन से अमेंडमेंट से, 104। ये सेम बात राज्य पे भी लागू होती है, राज्य में जो विधानसभा होती है उसमें भी सीट्स रिजर्व्ड हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, एसटी है कि नहीं है वहां कोई, जैसे हरियाणा में कोई एसटी नहीं है तो आपके यहां सिंगल सीट भी नहीं है एसटी की, लेकिन झारखंड में आप जाएं, बिहार देखें, इन सब इलाकों में एससी एसटी दोनों की सीटें हैं, तो विधानसभा में भी एससी एसटी की सीट के आरक्षण की जिम्मेदारी कौन से आर्टिकल की थी, और ऊपर जो लिखा है 331, ये एंग्लो इंडियन कहां बैठते थे, लोकसभा, कितनी कितने लोग थे, 2, ये भी एंग्लो इंडियन कहां बैठते थे, विधानसभा, कितना था ये, 1। पहले ध्यान से देखो, दोनों देश की बात करते हैं, देश के एससी एसटी और देश के एंग्लो इंडियन, फिर दोनों स्टेट की बात करते हैं, स्टेट के एससी एसटी और स्टेट के एंग्लो इंडियन। क्या ये क्लियर हो गया पॉइंट, ये मैंने कल पढ़ाया था, आज नहीं पढ़ा रही, लेकिन ये काम आएगा बार बार, इसलिए बताया जाता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज थी, इन 543 लोगों को संभालने के लिए क्या बनाते हैं ये अपने में से, अध्यक्ष, अगर ये ना हो तो उपाध्यक्ष, सेम ऐसे ही वो 245 नहीं बनाते, किसको, क्योंकि ये कौन होता है हमेशा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर ये ना आए कभी तो कौन काम संभालेगा, उपसभापति, उपसभापति, उपसभापति। क्या ये इन 245 में से था,
ये बाहर का था, और ये आदमी 245 में से था, बिल्कुल। ये आदमी कौन है? भारत का वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर इन 543 को इसका काम पसंद ना आए तो हटा दे, अपने यहाँ पेश करें एक प्रस्ताव, भाई हमें इसका काम ढंग का नहीं लगता, इसको हम हटाना चाहते हैं। दो तरह की चीजें होती हैं किसी भी काम के लिए, एक होता है जितनी टोटल प्रेजेंट मेंबर हैं उनका 50% से एक ज्यादा हो जाए, इसे हम कहते हैं ये साधारण बहुमत है, साधारण बहुमत। लेकिन एक होता है कि भाई बड़ी बात है, इस पे साधारण से काम नहीं चलेगा, स्पेशल, इसको कहते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत होता है टोटल जितने हैं उसका 2/3, जितने भी है, मान लो 100 हैं तो 66 माने जाएंगे, अब 543 है तो इसका 2/3 निकाला जाएगा, बड़ा, बहुत बड़ी संख्या बनेगी। ये बड़े कामों के लिए कैसा बहुमत चाहिए होता है, जिसके आगे क्या शब्द आता है? विशेष। तो बड़ी चीजों के लिए कैसा बहुमत चाहिए? विशेष। मान लो मैं यहां कहती हूं कि हम कल से कोचिंग सेंटर का टाइम ऐसे ही सोच लो, बस शाम के 7 बजे शुरू करेंगे और रात के 10 बजे तक पढ़ेंगे, तो तुम में से कोई भी राजी नहीं होगा, एक दो भाई हमारे पास साधन नहीं है, ऐसे कैसे आएंगे, ये क्या टाइम है, इस तरह की बातें होंगी ना। फिर मैं कहूं चलो हम बहुमत देखते हैं, अगर आधे से एक ज्यादा कह दे कि टाइम गलत है तो ये साधारण बहुमत हो गया, और अगर बड़ा मुद्दा है तो मैं कहूंगी चलो विशेष बहुमत जो कहेगा उसको मानेंगे, विशेष बहुमत वाले कह रहे नहीं ये गलत टाइम है। तो इन दोनों की अलग अहमियत है, बड़ी चीजों में ये वाला बहुमत चाहिए और छोटी चीजें इससे चेंज हो जाती है। समझ में आ गया ये साधारण और विशेष? देखो अब इस पॉइंट को पढ़ेंगे तो आगे और क्लियर होगा। पेज 80 पर है, ये बहुत दिनों से पढ़ा रही हूं मैं, अब सिर्फ किताब से सहारा मिल जाता है हमें। देखिए जरा पेज 80 पर नीचे से फोर्थ पॉइंट है, लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। अभी आपने देखा लोकसभा का अध्यक्ष कैसे बना था, वो बाहर से था या यहीं से था? यहीं से था ना। क्या सभापति भी यहीं से था? लोकसभा अध्यक्ष, जैसे मान लीजिए हम हैं लोकसभा, हम नए आ गए 2024 में, जब नई लोकसभा आएगी तो मान लो हम हैं 2024 में बैठे हुए, हमारे में से 543 मेंबर हम सब चुन के आए हैं, इलेक्टेड है, आज पहला दिन है, आज कोई लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है लेकिन आज काम तो स्टार्ट करना पड़ेगा पहले दिन से। तो हम में से जो सबसे ज्यादा एज्ड होगा उसको कह देंगे सर आप, या जो भी है महिला है तो आप प्रोटेम स्पीकर बन गए, ऑटोमेटिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी का किसका है, ये जो सबसे ज्यादा उम्र दराज है जीत के आए 543 में से वो प्रोटेम, PROTEM, प्रोटेम स्पीकर बन गया, प्रोटेम अध्यक्ष हिंदी में कह देते हैं। ये पार्टी कोई भी हो बस इसकी एज के कारण इसको बना देना है। मान लो इस क्लास में मैं हूं, मैं प्रोटेम बन गई, तुम सब सांसद हो, तो मेरी जिम्मेदारी है पहले दिन कि हम सब शपथ लें, जितने लोग आ गए 543, शपथ क्या लेंगे, लिखा हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में शपथ का प्रारूप कि ये वर्ड्स बुलवाने हैं, तो वहां प्रोटेम सबसे आगे खड़ा होगा, स्पीकर की कुर्सी तुमने देखी हो तो बाकी सबसे ऊंची है और वो हमेशा ऊंचा बैठा होता है, सबको देख सकता है, सबको सुन सकता है और सब उसको भी देख सकते हैं। तो जैसे मैं हूं ना यहां, देखो मैं तुम सबके मुकाबले, मेरा जो ये यहां पे स्टैंड है ये ऊंचा है, ऐसे ही वहां होता है, वहां थोड़ा और ऊंचा क्योंकि बैठना है। तो प्रोटेम स्पीकर के सामने सब खड़े होंगे, सबके पास एक एक कागज होगा जिसपे वो शपथ का प्रारूप लिखा होगा, वो अपना नाम लेंगे सब, और मेरा भाई चयन, लोगों ने मुझे निर्वाचित करके सांसद बनाया और मैं सांसद के रूप में शपथ लेता हूं, भारत के अच्छे कामों के लिए काम करूंगा या संविधान में लिखी बातों को फॉलो करूंगा, कुछ भी इलीगल नहीं करूंगा, टाइप की बातें जो होती हैं। अब सबने शपथ ले ली, चाहे किसी पार्टी के हैं, कितने लोगों ने, कौन सी शपथ ली इन्होंने, सांसद मतलब क्या हुआ, एमपी। अब ये सांसद सब शपथ ले गए, इनमें से कहीं एक आदमी था जो 2-3 दिन बाद अध्यक्ष बनने वाला है, किसी को नहीं पता कौन बनेगा लेकिन वो शपथ तो ले चुका, किसकी शपथ ले गया, वो सांसद। अब फिर एक प्रोसेस चलेगा, जिस पार्टी को 543 में से 273 सीटें मिली होंगी वो पार्टी जीती पार्टी कहलाएगी, उसकी सरकार बनेगी और उसी का आदमी लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा। जब लोकसभा का अध्यक्ष पता चल जाएगा भाई ये आदमी अध्यक्ष है, तो ऑटोमेटिक तरीके से प्रोटेम अपनी सीट छोड़ देगा और जाके अपनी सीट पे बैठ जाएगा। वो सिर्फ एज के कारण बड़ा बनाया गया था, उसका कोई लिखित में नहीं था, क्या पता हारी पार्टी का आदमी हो, क्या पता ऐसी पार्टी का जिसमें से चार ही आदमी आए हैं 543 में। फिर अध्यक्ष आके अपनी सीट पे बैठेगा और अब अध्यक्ष कोई शपथ नहीं लेगा क्योंकि वो पहले किसकी शपथ ले गया, हाँ ये नियम है आपके इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में कि लोकसभा का स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर ने जब शपथ दिलाई तो वो भी कहीं उस भीड़ का हिस्सा था और वो एक सांसद के रूप में शपथ ले चुका, तो अब उसे किसकी शपथ नहीं लेनी। लेकिन मंत्री अपने पद की शपथ लेंगे, मंत्री 3 शपथ लेते हैं, कोई भी आदमी जब मंत्री बनता है ना तो सबसे पहले वो लोकसभा राज्यसभा का उम्मीदवार बना था, कैंडिडेट, भाई मैं इलेक्शन में खड़ा होता हूं, मैं किसी भी इलीगल तरीके का यूज नहीं करूंगा और संविधान में लिखी हर बात को मैं फॉलो करूंगा, तो पता नहीं जीतेगा हारेगा, वो सिर्फ कैंडिडेट है, पहली शपथ ले ली चीटिंग ना करने की और देश के लिए काम करने की। फिर जो जीत के आए, मान लो उम्मीदवार 1000 लोग खड़े हुए थे, इनमें से जीत के कितने आए, 543, ये मैं बहुत छोटा बता रही हूं, ये 1.5-2-3-4-5 हजार हो सकते हैं, मैं तो मिनिमम बता रही हूं कि भाई एक सीट पे 2 खड़े हुए। अब उम्मीदवार
उम्मीदवारों में से कुछ लोग जीत गए, जीतने वाले क्या बन गए? सांसद। फिर सांसद होने की उन्होंने क्या ली? शपथ। किसने दिलवाई? अभी बताया, प्रोटेम ने। प्रोटेम ने इनको शपथ दिलाई। इनमें से कुछ लोग, लिमिटेड लोग, क्या बनेंगे? मंत्री। इसका सिर्फ कितना परसेंट हो सकते हैं? 15%, यानी 81 मंत्री बनेंगे मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं बनेंगे। 77 तो आज भी है। तो सोचो, इस आदमी ने 3 शपथ ली, पहले उम्मीदवार की, फिर सांसद की, और अब मंत्री की। जो लोकसभा का स्पीकर है ना, उसने उम्मीदवार की ली होगी और सांसद की, उसने मंत्री की शपथ नहीं ली और लोकसभा अध्यक्ष के पद की शपथ नहीं लेनी होती। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? पेपर में बहुत ज्यादा बार आता है, निम्न में से किस पद के उम्मीदवार को या किस पद के व्यक्ति को अपनी शपथ नहीं लेनी? तो वहां क्या टिक करोगे? लोकसभा के अध्यक्ष को, बाकी सबको लेनी है। ये टिक कर लो, लोकसभा का अध्यक्ष। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता। कौन दिलवाता है इसको शपथ? प्रोटेम। लिख लो यहाँ, प्रोटेम स्पीकर, PROTEM, प्रोटेम। उसको प्रोटेम इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख देते हैं, प्रोटेम स्पीकर या प्रोटेम अध्यक्ष। कहीं कहीं प्रोटेम भी लिखा है, एक आधी किताब में बिंदी भी लगाते हैं। प्रोटेम इंग्लिश का वर्ड है, PROTEM। अच्छा, अगर मान लो ये अध्यक्ष गड़बड़ करता है और हमें हटाना है, तो फिर क्या करें हम? लोकसभा स्पीकर को अगर हटाना है तो किसकी मर्जी चलेगी? क्या राज्यसभा से पूछा जाएगा? ना, ये वहां का आदमी, ना पूछने की जरूरत। लेकिन अगर राज्यसभा के स्पीकर से गड़बड़ फील होती है तो लोकसभा से पूछा गया, क्योंकि वो राज्यसभा का आदमी नहीं है। वो असलियत में कौन है? वो भारत का उपराष्ट्रपति, इसलिए पूछना पड़ेगा। ये टिक करो। अगला पॉइंट, 14 दिन की पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो वहां जितने लोग प्रेजेंट हैं, अगर वो बहुमत से कहते हैं हमें इसको हटाना है, तो वो हट जाएगा। 100% हमेशा जीती पार्टी का आदमी ही क्या बनता है? लोकसभा का अध्यक्ष। प्रोटेम कौन बनेगा? जिसकी उम्र ज्यादा है, वो किसी भी पार्टी का हो। नेक्स्ट करना, लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता। जैसे मान लो सरकार हट गई है, अध्यक्ष तब तक बैठा रहेगा जब तक कि अगला प्रोटेम ना आ जाए। प्रोटेम कौन बनेगा? जो एज्ड है, इलेक्शन होंगे, नया आदमी आएगा, एज्ड होगा, वो आएगा। फिर अगला भी टिक करना, लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। बोर्ड पे देखो, लोकसभा का अध्यक्ष नहीं आया, बीमार है, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसको बुलाया जाएगा? ये भी नहीं पहुंच पाया, विदेश यात्रा पर है, लेकिन कार्यवाही तो चलनी है, तो फिर क्या करेंगे? राष्ट्रपति सजेस्ट करेगा 5 लोग, कोई 5 लोगों के नाम, इनमें से किसी एक को शपथ, मतलब कुछ दिनों के लिए, कि भाई इनमें से एक बनेगा। तो अपनी मर्जी से नहीं चुनना, लोकसभा के अध्यक्ष अपनी मर्जी से, वहीं के लोगों ने बनाए थे ना, जीती पार्टी ने, उपाध्यक्ष भी मर्जी से। लेकिन अगर ये दोनों प्रेजेंट ना हो तो लोकसभा के मेंबर्स की मर्जी नहीं चलेगी, फिर किसके अकॉर्डिंग बनेगा? राष्ट्रपति। ये काम का पॉइंट है, ये एग्जाम में आता तो याद नहीं आता कि राष्ट्रपति की कीमत है यहाँ। ये दोबारा पढ़ के देखो, लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। क्या वरिष्ठ का फंडा प्रोटेम के साथ भी था? बिल्कुल, तो प्रोटेम टाइप का ही मान लो। जब नहीं बनेगी तो कौन काम करेगा? बिल्कुल नहीं बनेगी तो प्रोटेम सबको क्या, कौन सी शपथ दिलाएगा? सांसद की। फिर जीती पार्टी अपने एक आदमी को क्या बना देगी? अध्यक्ष। अध्यक्ष के साथ साथ क्या बनेगा? उपाध्यक्ष। नहीं है अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो क्या होगा? राष्ट्रपति वरिष्ठ लोगों का एक पैनल बनाएगा, ये 5 आदमी, इनमें से जो सबसे एक्सपीरियंस्ड है उसकी बात मानोगे। तुम्हारी मर्जी तब तक चलेगी जब तक तुम लोकसभा के अध्यक्ष के अंडर हो। मान लो मैं यहाँ अध्यक्ष हूँ, मैं नहीं हूँ, मेरे बाद कोई उपाध्यक्ष, हम दोनों नहीं है, तो फिर आपकी मर्जी नहीं चलेगी सांसदों की? फिर कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एग्जाम में बहुत बार आता है ये, और राष्ट्रपति वाला याद नहीं आता वहाँ। अगले पेज पे आ जाओ, यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त घोषित कर सकते हैं। थोड़ी सी आवाज बढ़ाने के लिए बोलो, आवाज बढ़ाएगा थोड़ी सी, इसको सुन लो अब इस पॉइंट को। आजकल कौन सा सत्र चल रहा है? हाँ, थोड़े अखबार पढ़ा करो, थोड़ा देखा करो क्या चल रहा है आजकल। मॉनसून सत्र है, हाँ पढ़ भी लेना कि उसमें हो क्या रहा है। सत्र तो पता चल गया, लेकिन हो क्या रहा है मॉनसून सत्र में, या किसी भी सत्र में अगर कोई आदमी कितने दिन तक नहीं आया? 60 दिन तक, बिना बताए गायब हो गया। भाई एप्लीकेशन लिखी, मुझे कहीं जाना है, अब ज्यादा तेज हो गई साउंड, ये ठीक नहीं, अब इको ज्यादा है, सुनो इसको सभी लोग। कोई आदमी आज एबसेंट हो जाए, और कितने दिन तक एबसेंट रहे? कोई बीमार है, लिख के दे दो जी मेरी तबीयत खराब है, विदेश में जा रहा हूँ मैं, इलाज कराने में नहीं आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मत आओ 6 महीने। लेकिन बिना सूचना के अगर कितने दिन गायब रह गए? हाँ, यानी सूचना के बाद बेशक आप साल भर गायब रहो, लेकिन बिना सूचना के अगर आप 60 दिन प्रेजेंट नहीं हुए तो मान लेंगे आपका पद ही गया, यानी आपका सांसद होना खत्म माना जाएगा। कितने दिन की सूचना नहीं देंगे तो 60 दिन गायब रह गए, तो ये पॉइंट भी काम का है, इसको टिक कर लो।
कि बिना अनुमति के 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त। कौन सी पोस्ट खाली कर दी? एमपी की। एमपी की पोस्ट खाली हो गई, कितने दिन तक नहीं बताया? अगर जैसे स्कूल में होता है ना, नाम कट जाता है भाई, कोई बच्चा अगर 2 हफ्ते ना जाए तो नाम काट देते हैं। आजकल नहीं काटते, पहले काट देते थे और पेरेंट्स को बुलाते थे, क्योंकि आजकल आरटीई है, बच्चे का नाम लिखना पड़ेगा आपको दोबारा। लोकसभा अध्यक्ष के काम और अधिकार, पहला पॉइंट टिक करो, लोक सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना। अगला पॉइंट, विभिन्न विधेयक और प्रस्ताव पर मतदान करवाना, परिणाम घोषित करना, मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देना। निर्णायक मत क्या होता है? बोर्ड पे देखो, अगर 542 आदमी हैं वोट डाल रहे हैं तो इक्वल हो सकती है ना चीज भाई, इवन नंबर है तो इक्वल बढ़ जाएंगे, आधे ए हो गए आधे बी के साथ। अब कहेंगे क्या करें, तो फिर एक निर्णायक मत, जो एक आदमी रह गया था, कौन था वो? लोकसभा का अध्यक्ष। ये जिस पलड़े में जाएगा उसको जीता हुआ मान लिया जाएगा। ये तब तक वोट नहीं डालता जब तक कि बात बराबरी पे ना आ जाए, इसको बोलते हैं लास्ट टाइम पे निर्णायक मत देना, कास्टिंग वोट, निर्णायक मत, या इसी को कहते हैं कास्टिंग वोट। तो जब तक ये जरूरत ना पड़े अपना वोट नहीं डालता सही और गलत के लिए, इसको टिक कर लो। ये काम का पॉइंट था, 100 अनुच्छेद में आर्टिकल में लिखा है, मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत। अगला पढ़ना, अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वो गणपूर्ति या कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। क्या थी गणपूर्ति, कितने लोग प्रेजेंट हो? 1/10, लिख लो यहाँ 1/10। अगर 1/10 नहीं है तो कार्यवाही शुरू नहीं होगी। 1/10 कौन सदन को कहेगा भाई आज स्थगन, आज नहीं बैठते? लोकसभा का अध्यक्ष। अब नीचे टेबल है, टेबल तुम्हें सारा आता है, पढ़ के देखो। यूपी की सीटें कितनी हैं? 80, और पीछे कितनी आएंगी? 31, यहीं पीछे, इसके पीछे 31 लिख। 31 किसकी हैं? राज्यसभा, और 80 लोकसभा। महाराष्ट्र की 48 और 19, आंध्र प्रदेश की 25 और 11, 25-10 तो राजस्थान की हैं, 25 और 11, तेलंगाना की 17 और 7 लिखते चलो, तमिलनाडु की 39 और 18, बिहार की 40 और 16, पश्चिम बंगाल की 42 और 16, कर्नाटक की 28 और 12, मध्य प्रदेश की 2/9/11, गुजरात की 26/11, ओडिशा की 21/10, राजस्थान की 25/10, केरल की 20/9, पंजाब की 13/7, असम की 14/7, झारखंड की 14/6 लिख लो, छत्तीसगढ़ की 11/5, हरियाणा की 10/5, हिमाचल की 4/3, उत्तराखंड की 5/3, नागालैंड की, बताओ जरा नागालैंड की, 1/1, एक के पास एक लिख लो, मिजोरम की 1/1, मेघालय की 2/1, मणिपुर की 2/1, त्रिपुरा की 2/1, सिक्किम की 1/1, अरुणाचल की 2/1, जिसका जो रह गया छोड़ के अगले पे पहुंच जाना, गोवा की 2/1। एक एक वाले कितने हैं तुम्हारे देश में? 8। कौन कौन से? मेघ, त्रि, मणि, अरुण, गोवा, आगे नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। इनकी लोकसभा की है एक एक या राज्यसभा की? लोकसभा की 5 की है, 2/1, 2/1, 2/1, और 3 की है 1/1, 1/1, 1/1। यूटी में कितने आदमी है टोटल? राज्यसभा में, राज्यसभा में 4 आदमी, 3 और 1, आगे देखेंगे। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं हम कहाँ पहुंचे हैं ये। अच्छा, संघीय पे आ गए ना। हाँ, दिल्ली में टिक कर लो 7। 7 किसके हैं? लोकसभा। 3 लिख लो पीछे राज्यसभा वाले। पुदुचेरी का 1/1, तो टोटल राज्यसभा में कितने आदमी हुए यूटी के? 4। और चंडीगढ़ का 1 और ब्लैंक छोड़ दो, क्योंकि है ही नहीं यहाँ एमएलए, तो एमपी कहाँ से आएंगे। दादर नगर हवेली का ब्लैंक छोड़ दो, अंडमान निकोबार का ब्लैंक, लक्षद्वीप का, दमन और दीव का, कौन सी दो चीजें एक कर दी अब? दादर नगर हवेली और दमन और दीव। लोकसभा के कितने हो गए? 2, क्योंकि दोनों का 1/1, और राज्यसभा के दोनों के 0, 0, कोई नहीं है यहाँ। जम्मू कश्मीर के 6 लिख लो, 5 और 1, 5 और 1, 5 जम्मू कश्मीर के, 1 लेह लद्दाख का, अभी यूटी में है ये, 5 और 1। चलो अगला पॉइंट, ये क्या करती हैं ये लोकसभा और राज्यसभा हमारे लिए, तुम्हारे लिए क्या फायदा है इससे? कानून बनाती है ना, और इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। कानून कब बनता है? पहले क्या पेश किया जाता है? बिल। अगर किसी बात पे इन दोनों में असहमति हो तो क्या करना पड़ता है? भाई दोनों असहमत हैं, बात नहीं मान रही, आपस में इनकी निभ नहीं रही, तो क्या बुलाई जाएगी? संयुक्त बैठक। आज तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलानी पड़ी है? 3 बार। लास्ट कब बुलाई थी? 2002 में, 20 साल बीत गए। एक सबसे पहले बुलाई थी जब दहेज संबंधी कोई कानून बनाना था 1961 में, फिर एक बैंक से जुड़ा कोई अधिनियम था 1977-78 के आसपास, और फिर लास्ट बुलाई है पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तुम्हें पता है दिल्ली के संसद भवन में आतंकवादी घुस गए थे, उन्होंने अटैक कर दिया था, तब ये बैठक बुलाई गई थी कि टेररिस्ट को कैसे पकड़े, क्योंकि जो लोग पकड़े गए थे बिल्कुल नॉर्मल जीवन जी रहे थे, कहीं 7 साल से आम आदमी की तरह बैठे हैं, बीवी बच्चे सब नॉर्मल, अचानक से पता चला कि तो आतंकवादी था, तो इसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म
टेररिज्म एक्ट, जिस पे शक हो उसको पुलिस पकड़ ले, उसको टॉर्चर करे, रिमांड पे ले, कैसे पता लगाए? इसको कुछ लोगों ने कहा ये काला कानून बन जाएगा, जैसे अंग्रेजों के राज में आया था ना रॉलेट एक्ट, इसलिए इसको पारित नहीं होने दिया। आज पोटा नहीं है आपके देश में, अगर होता तो पुलिस किसी पर भी सख्त कार्यवाही कर सकती थी, ये पुलिस के लिए मिसयूज करने का अच्छा मौका बन जाता, इसलिए पोटा को पारित नहीं होने दिया। 20 साल बीत गए, 2002 से 2021 आधे से ज्यादा गया, आज तक कोई संयुक्त बैठक नहीं हुई। अगला पॉइंट देखो यही है, यदि दोनों सदनों के मध्य किसी विधेयक के संबंध में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, तो हमेशा इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? कितने लोग आएंगे इसमें? 543 + 245, यानी कितने लोग हो गए? 788। रोज तो हर कोई नहीं पहुंचता, अब तुम कौन सा रोज आते हो, आधे एब्सेंट होते हो, ऐसे यहाँ भी एब्सेंट होते हैं। एक आइडिया ले लें, अगर 700 लोग भी जाते हैं तो फिर यहाँ दबदबा किसका रहने की उम्मीद है, लोकसभा का या राज्यसभा का? इसलिए वही बात मानी जाती है ज्यादातर जिसमें लोकसभा हाँ करती है, राज्यसभा कितनी ही हाँ कर दे लेकिन लोकसभा के सामने ये आधी पड़ जाती है, इसलिए 99.9% किसके पास चलने के चांस है? लोकसभा। जब ये सब इकट्ठे बैठते हैं तो जो इनका मुखिया है, लोकसभा का कौन था मुखिया? अध्यक्ष। ये इन सबका मुखिया बन जाता है। अगर ये ना हो, ये एब्सेंट हो, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को बुला लेते हैं। अगर ये भी एब्सेंट हो तो यहाँ राष्ट्रपति का पीठासीन नहीं आएगा, फिर यहाँ राज्यसभा का उपसभापति आएगा। सभापति क्यों नहीं आएगा इनको संभालने? क्योंकि वो इनसे अलग था और उसको यहाँ बुलाया नहीं जाता, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये रूल है, ये कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, ये अध्यक्षता के लिए बना भी नहीं है, ये आदमी वाइस प्रेसिडेंट है, वो तो बस एक जगह की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी दे रखी है, दोनों की अध्यक्षता की जिम्मेदारी इसकी बिल्कुल नहीं बनती। तो इसलिए किसी भी कंडीशन में कौन अध्यक्ष नहीं बन सकता? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सिर्फ किसकी अध्यक्षता कर सकता है? राज्यसभा की। ये पॉइंट टिक करो, कौन आएगा? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यहां लिखो, राज्यसभा का सभापति कभी अध्यक्षता नहीं कर सकता, राज्यसभा का सभापति कभी भी अध्यक्षता नहीं कर सकता। अच्छा, डिसीजन कैसे लेंगे भाई, क्या ठीक है क्या गलत, हाँ या ना का क्या देखा जाएगा? बहुमत। बहुमत के चांसेस किसकी तरफ है? लोकसभा, तो लोकसभा की चलेगी। पढ़ो, संयुक्त बैठक में उपस्थित और मतदान में भाग ले रहे दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत के आधार पर विधेयक को पारित किए जाने के प्रश्न पर निर्णय किया जाता है। चांसेस हमेशा लोकसभा के होते हैं। लोकसभा द्वारा धन विधेयक को प्रमाणित किया जाता है। धन विधेयक मैंने बहुत डिटेल में समझाया था ना, कहाँ पेश हो सकता है, कौन पेश कर सकता है? तो इसके आगे लिखते हैं, केवल लोकसभा, केवल मंत्री। और इसको पेश करने से पहले किसकी प्रायर परमिशन ली गई थी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसकी परमिशन पहले ली फिर इसको पेश किया, सिर्फ लोकसभा में पेश किया, सिर्फ मंत्री ने, सांसद ने नहीं। और जो मंत्री पेश करते हैं उसको सरकारी बिल बोल देते हैं, सरकारी विधेयक। ये यहां से पारित होके जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा को सिर्फ कितने दिन दिए गए? 14 दिन। पारित कर दो बहुत अच्छी बात है, कोई सजेशन देना है दे दो, नहीं तो हम सीधे फाइल किसको पहुंचाएंगे? राष्ट्रपति। उसमें इनकी बेइज्जती होगी, ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए जनरली ये सजेशन देके और फाइल को वापस किसको पहुंचा देते हैं? लोकसभा। फिर ये किसको पहुंचाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब ये फाइल जा रही थी ना, तो इस फाइल के फ्रंट पेज पर एक साइन और एक स्टैंप थी, जिसको देखते ही सब अलर्ट हो गए। वो साइन और स्टैंप लोकसभा के स्पीकर या लोकसभा के अध्यक्ष के थे। आर्टिकल 110 के तहत इनके साइन और इनकी स्टैंप ये कंफर्म करते हैं कि ये फाइल मनी बिल है। और इस पे राज्यसभा समझ जाती है मेरे को चलनी नहीं है, मैं मैक्सिमम कितने दिन बाद? 14 दिन के अंदर मुझे ये वापस करनी है। और इस साइन और इस स्टैंप को देख के राष्ट्रपति भी समझ जाता है कि ये फाइल पेश करने से पहले मेरे पास आ चुकी है और मैंने हामी दे रखी है। तो इसलिए राष्ट्रपति भी फर्स्ट टाइम में क्या कर देगा? इसके ऊपर साइन। यानी आर्टिकल 110 देखते ही अलर्ट हो गई राज्यसभा भी और राष्ट्रपति भी। क्या ये बात समझ में आ गई? अब ये बुक में देखो, लोकसभा द्वारा धन विधेयक को प्रमाणित किया जाता है। प्रमाणित किस आर्टिकल में है? 110 में, आर्टिकल 110, यहां लिख लो 110, अनुच्छेद 110, कि वो धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय अंतिम। तो किसका डिसीजन है कि मनी बिल है कि नहीं है? किसका डिसीजन है ये? लोकसभा के अध्यक्ष का। कौन से आर्टिकल के तहत? मान लो किसी आर्टिकल में है ही नहीं पैसे का जिक्र, तो ये कहेगा नहीं ये मनी बिल नहीं है। जिसमें पैसे का लेन देन है ना, सिर्फ वही मनी बिल है। मान लो आरक्षण की कोई फाइल है और लोग कहेंगे तू इस पे साइन कर दे ताकि राज्यसभा देख के इसको 14 दिन में भेज दे, नहीं भेजेगी वो, क्योंकि कौन सा नहीं था ये मनी बिल नहीं है। मनी बिल अलग होता है। किसकी जिम्मेदारी है बताना है कि नहीं है? लोकसभा के अध्यक्ष की। इसके बाद टिक करना, लोकसभा द्वारा धन विधेयक को प्रमाणित किया जाता है कि वो धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय अंतिम। किसका निर्णय अंतिम है? लोकसभा के अध्यक्ष का। वो लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के चेयरमैन की नियुक्ति करता है। यहां लिख लो, बजट के दौरान भी समिति बनाई जाती है, तो जितनी समितियां बनेगी सबका मुखिया लोकसभा का स्पीकर।
बजट के दौरान भी समिति बनाई जाती है। चलो अब अगले पेज पर आ जाओ। संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक जब कोई डिस्प्यूट हो, किस किस का, लोकसभा और राज्यसभा का, किस तक शिकायत जाती है, हाँ इन दोनों के ऊपर राष्ट्रपति है ना, दोनों को बुलाएगा, कहेगा इकट्ठे बैठो, तो 700-800 लोग इकट्ठे बैठ गए, अध्यक्ष कौन रहेगा? लोकसभा का स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, वो भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, कौन नहीं बैठेगा? अंडरलाइन करना, संविधान के अनुच्छेद 108 में पेज 82 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 110 धन विधेयक था, 108 संयुक्त अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा किन स्थितियों में बुलाया जा सकता है, ये एक दिन मैंने समझाई थी, पहले बोर्ड पे एक बार रिवाइज करें, फिर आसान दिखेगा। कब बुलाया जाएगा संयुक्त अधिवेशन? पहली चीज तो क्या धन विधेयक के लिए संयुक्त बुलाया जा सकता है? सिर्फ किसके लिए आएगा, कौन से विधेयक के लिए? साधारण। साधारण कहाँ पेश कर सकते हैं? कहीं भी, कोई भी पेश कर सकता है। ध्यान से समझना है, पॉइंट बहुत डिफिकल्ट है, अदरवाइज लोकसभा में पेश हुआ या राज्यसभा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि साधारण है। सबसे पहले पेश किया जाएगा, फिर इस पे बहस होगी और फिर ये पारित हो जाएगा। इसने पारित कर दिया, यहाँ भी ऐसा ही होगा, ये भी बहस करेंगे और ये भी पारित कर देंगे, पास कर देंगे। अब ये फाइल किसके पास जाएगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा मुझे गड़बड़ लग रही है, जैसे सस्पेंसिव वीटो यूज की थी, बताया था तुम्हें एक बार, प्रेसिडेंट ने मना कर दिया फर्स्ट टाइम में, भाई मैं साइन नहीं करता, थोड़ा चेंज करो इसको। वापस आ गई फाइल राज्यसभा के पास, इसने इसमें कुछ चेंज कर दिया, ये चेंज इसको पसंद नहीं आया, इसने कहा ओरिजिनल ठीक था, ये चेंज के साथ मैं खुश नहीं हूं। तो इस कंडीशन में दोनों ने पास कर दिया, उसने मना किया, उसके मना करने के चेंज को दूसरे ने पसंद नहीं किया, क्या बुलाई जाएगी? ज्वाइंट सेशन, यानी संयुक्त बैठक। पहली कंडीशन क्या है? दोनों पास करें, राष्ट्रपति वापस करे, उसमें अमेंडमेंट किया जाए, इसको पसंद ना आए। दूसरी कंडीशन है एक पास कर दे, दूसरी उसके ऊपर कितने महीने बैठी रहे? ना, हाँ, फाइल ही नहीं खोली, कितने महीने हो गए? 6 महीने। शिकायत करेगा प्रेसिडेंट को, सर देखिए 6 महीने पहले ये फाइल गई थी, ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, ना कोई कमी बता रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं। तो कहेगा चिंता मत करो, क्या बुलाया जाएगा? ज्वाइंट सेशन, दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन, एक पास कर दे, दूसरी पास ना करे, मना कर दे, भाई हम इसके फेवर में नहीं है। पहली कंडीशन में मना नहीं किया था, चेंज को मना किया था, अब स्पष्ट मना कर दे, तो फिर से राष्ट्रपति क्या बुलाएगा? ज्वाइंट सेशन। एक राष्ट्रपति की वजह से चेंज हुआ है, एक अपने आप मना कर दिया, और एक में काम ही नहीं किया, कितने महीने तक? ये सेम बातें देखो बुक में कैसे हैं। पेज 82 पर आ जाओ, किन स्थितियों में बुलाया जाएगा, ध्यान से पढ़ेंगे। विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाए, और यदि दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे, अस्वीकार मतलब क्या कह दे? मना, रॉन्ग वाला। दूसरी कंडीशन, विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं, यानी दोनों ने पहले पारित कर दिया पर अमेंडमेंट से खुश नहीं है दूसरा सदन। तीसरा, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से पारित किए बिना 6 महीने से अधिक समय बीत गए हो, कितने महीने बीत गए? तीनों कंडीशन समझ में आ गई। पहली में क्या हुआ? दोनों ने पास किया, किसने मना किया? राष्ट्रपति। एक ने चेंज किया, दूसरे ने कहा चेंज से मैं खुश नहीं हूं, ज्वाइंट सेशन। एक ने पास किया, दूसरी कितने महीने बैठी रही? 6 महीने। मना भी नहीं कर रही पर हां भी नहीं कर रही, ज्वाइंट सेशन। एक ने हां किया और दूसरे ने मना कर दिया, कौन बुलाएगा इसको? राष्ट्रपति, क्योंकि वही इन दोनों के ऊपर है। आगे पढ़ो, इसमें लोकसभा के अध्यक्ष का टॉपिक है। अध्यक्ष किस पार्टी का बनता है? हमेशा जो पार्टी जीत के आती है। प्रोटेम कौन बनता है? नई लोकसभा में सबसे एज्ड, सबसे एक्सपीरियंस जो होगा, जिसकी उम्र ज्यादा होगी। पहला टिक करना, पहली लोकसभा का अध्यक्ष थे जी वी मावलंकर। इनकी तबीयत बिगड़ी, जनवरी में इनको हार्ट अटैक हुआ, इन्होंने रिजाइन कर दिया और फरवरी में इनकी डेथ हो गई। तो ये कई लोग कहते हैं कि कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई, कार्यकाल में थे नहीं, रिजाइन कर दिया था, फिर भी लिख लो ये बात, लिखो जनवरी में हार्ट अटैक, ठीक है, और फरवरी में इनकी डेथ हुई है। देखो तो क्या ये उस टाइम पे लोकसभा के अध्यक्ष थे जब एक्सपायर हुए? नहीं, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि नहीं लोकसभा अध्यक्ष थे, वो गलत कहते हैं। आगे पढ़ना, तीसरी में हुकुम सिंह टिक कर लो, हुकुम सिंह, तीसरी लोकसभा में, सारे याद नहीं करने होते, लिखो हरियाणा बना, हुकुम सिंह के पास लिख लो हरियाणा बना। चौथी में देखो नीलम संजीव रेड्डी लिखा है, यहां लिखो यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, भारत का सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति बने, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। छठी लोकसभा पे आओ, नीलम संजीव रेड्डी लिखो, दो बार लोकसभा के स्पीकर बने, दो बार लोकसभा के स्पीकर। सातवीं और आठवीं में आ जाओ, बलराम जाखड़ लिखा है, लिखो सबसे लंबा कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में, एज स्पीकर, लॉन्गेस्ट टेन्योर एज स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, बलराम जाखड़, सातवीं और आठवीं के सामने, बलराम जाखड़ लॉन्गेस्ट टेन्योर।
बारहवीं में आ जाओ, जीएमसी बालयोगी लिखा है, लिखो कार्यकाल में मृत्यु, कार्यकाल में मृत्यु, जीएमसी बालयोगी बारहवीं के सामने लिखा है। तो कई लोग कहते हैं कि दो आज तक कार्यकाल में मरे हैं, कौन कौन? पहला, कुछ लोग पहला बताते हैं, जी वी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, और दूसरा सच में कौन मरा है? जीएमसी बालयोगी, ये दोनों कह देते हैं। लेकिन हमें पता है कि गणेश वासुदेव ने जनवरी में रिजाइन किया, फरवरी में उनकी डेथ हुई थी, फिर भी पूछ ले तो ये याद रखना। पंद्रहवें टिक कर लो, मीरा कुमार, लोकसभा स्पीकर बनने वाली फर्स्ट शेड्यूल्ड कास्ट महिला, पहली महिला भी है और एससी महिला भी है, मीरा कुमार। इनके पिताजी बहुत बड़े आदमी थे, किसी को पता हो? बाबू जगजीवन राम, लिख लो यहाँ, बाबू जगजीवन राम, वो भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, जो पटेल भी रहे हैं, बाबू जगजीवन राम, इनकी बेटी थी वो, बाबू जगजीवन राम, ब्रैकेट में लिख लेना, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे ये, जो कि पोस्ट ही नहीं है, उप प्रधानमंत्री रहे, इनकी बेटी फर्स्ट शेड्यूल कास्ट मीरा कुमार, महिला शेड्यूल कास्ट जो लोकसभा की अध्यक्षा बनी, पंद्रहवीं लोकसभा की, बाबू जगजीवन राम। इनकी समाधि का नाम लिख लो, समता स्थल, समता स्थल इनकी समाधि है, जगजीवन राम की समाधि समता स्थल, समाधियां बहुत आती हैं एग्जाम में, समता स्थल। फिर बातचीत में एक दो का ध्यान है, एक बार देखो जरा, जिनके पास इनमें से भी किताब नहीं इनको भी निकालो, एक आधा रह गया होगा। अगला टिक करना, सोलहवीं की सुमित्रा महाजन दूसरी महिला थी, और सत्रहवीं टिक कर लो, ओम बिरला, प्रेजेंट में चल रहे हैं ओम बिरला। तो आजकल आपका लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। किस पार्टी के होंगे? हमेशा वही पार्टी जो लीड में होती है उसी का बनता है। लोकसभा की शक्तियां, शक्तियों में पहला पॉइंट पढ़ो, विधायी शक्तियां, विधि विधान, कौन बनाता है कानून आपके देश में? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, पहला पॉइंट पढ़ो। सरकार द्वारा साधारण विधेयक, अंडरलाइन कर लो, संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। अगला पढ़ो, यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक के संबंध में मतभेद हो, इसको अंडरलाइन कर लो, मतभेद हो, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, आर्टिकल 108 के तहत जो हम पढ़ के आए हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। संयुक्त बैठक में लोकसभा की स्थिति अपनी सदस्य संख्या के बल पर ज्यादा मजबूत होती है। तो अगर कभी भी इकट्ठे बैठेंगे तो किसकी बात चलेगी हमेशा, क्योंकि उसके में कितने आदमी हैं, कितने आदमी हैं? 543। अगला पॉइंट देखो, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यसभा अधिक से अधिक 6 माह तक अपने पास रोककर रख सकती है, 6 महीने के बाद उसे राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। या तो पारित मान लेंगे या क्या बुलाएंगे? संयुक्त बैठक, पहली प्रायोरिटी संयुक्त की रखते हैं। अगले पेज पर आ जाओ, वित्तीय शक्तियां, पैसों की सारी पावर किसके हाथ में थी? कौन से विधेयक सिर्फ वहां पेश होंगे? धन विधेयक, मनी बिल्स। राज्यसभा कितने दिन रोक पाएगी? 14 डेज तक। पढ़ो इसको, वित्तीय शक्तियां, वित्त के संबंध में लोकसभा को सभी शक्तियां प्राप्त हैं, राज्यसभा को इस संबंध में बहुत कम शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 109 पे पढ़ लो, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही, डबल टिक कर लो, केवल लोकसभा, लोकसभा से पास होने के बाद वित्त विधेयक राज्यसभा में केवल सिफारिश करने के लिए भेजे जाते हैं, तुम सिर्फ हमें सलाह दोगे, मर्जी हमारी चलेगी। जिनकी स्वीकृति या अपनी सिफारिश करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन, टिक कर लो, राज्यसभा को 14 दिन दिए जाते हैं। यदि राज्यसभा 14 दिनों तक विधेयक को अपनी सिफारिश के साथ वापस नहीं भेजती तो विधेयक को पारित मान लेंगे। यानी किसकी स्थिति मजबूत है और कौन दिखावटी बस स्थिति लेके बैठा है? कितने दिन रोक लेगा? सिर्फ सजेशन देगा, मानना ना मानना किसकी मर्जी है। लोकसभा सीधी फाइल किसको पहुंचाएगी? क्या प्रेसिडेंट मना कर देगा? क्योंकि उससे पहले पूछ के पेश किया गया, पहली बार में साइन करेगा। आगे देखो, कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है लोकसभा, कैसे? केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इस पॉइंट को सभी लोग ध्यान से सुनो और समझो। तुमने अपनी पसंद के लोगों को चुनके जिताया, वोट दिए, और वो जाके कहां बैठ गए? संसद के किस अंग में? हमारी सभा तो लोकसभा है ना, राज्यसभा में तुमने मैंने तो भेजा नहीं। अब जिसको हमने लोकसभा में भेजा, इनकी एक जिम्मेदारी है, अगर कोई आपके ऊपर विश्वास करता है, कोई आपको पावर देता है, तो आपकी क्या बन जाती है? जिम्मेदारी कि भाई मैं इनका भला करूं। इसीलिए ये टाइम टू टाइम इनसे क्वेश्चन पूछते हैं हम। अब मैं और तुम तो नहीं जा सकते, तो इनसे क्वेश्चन पूछने के लिए हम किसको भेज देते हैं? अपने विपक्षी दल को, विपक्ष को। लोकसभा में जब जब सेशंस होते हैं, जैसे अब चल रहे हैं, आप देखना कोई ना कोई मोदी जी से कोई ना कोई क्वेश्चन करता होगा, आप इसको देखेगो ना, देखोगे कभी स्वास्थ्य मंत्री से, कभी मोदी से क्वेश्चन पूछते होंगे, पेंडेमिक को लेकर सरकार ने क्या किया, आर्थिक नीतियों को, तो क्या इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए?
अमेरिका को पहले से पता था, अमेरिका ने अपने बहुत जल्दी जैसे पता चला ना आएगी तभी तुरंत में पता नहीं 5 या 4 दिन के अंदर 6 लाख बच्चों को टीके लगवा दिए। आपके देश में पता है सबको, कान खबर सबको है कि अगली वेव आएगी और कह रहे हैं शायद अगस्त में आएगी, मुझे नहीं पता ये सच्ची बात है लेकिन कम से कम फैली तो हुई है। अगर अगस्त में वेव आती है तो कितनी उम्र से कम के बच्चों के लिए खतरा है? 18 से कम, यानी 0 से 17 के बीच में सबको इंजेक्शन वैक्सीनेशन होनी चाहिए ना, एक को भी नहीं लगी हमारे देश में। और अभी तो मुझे लगता भी नहीं कि कम से कम 6 महीने 8 महीने आपकी सरकार सोच भी रही है कुछ जल्दी करे। हाँ, बेड तैयार करते जा रहे हैं, यानी ये पता है कि लेटना तो है ही लोगों को, बेड तैयार कर दो, वैक्सीनेशन जाए भाड़ में बड़ों को। अब जिनके ऊपर खतरा दिख रहा है उनकी भी कोई केयर नहीं। अमेरिका को देखना, खबर होते ही सबको वैक्सीनेशन की लाइन में कि भाई बच्चे आने से पहले रोक लो ना। हमारी आदत क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है ना, हमें पता है ऐसा होगा तब भी हम कह रहे हैं हम तैयारी कर रहे हैं, हमने 500 बेड बच्चों के तैयार कर दिए। अरे जब अगर ये आएगी तो आपके देश में 30% से ज्यादा आबादी तो बच्चों की है, आपके देश की 30 से 35% आबादी 0 to 18 की है। 35% का मतलब जानते हो, 140 करोड़ का 35% निकालना जरा, ये तुम्हारे 40 करोड़ के आसपास का आ गया ना आंकड़ा। 40 करोड़ लोगों के ऊपर अगर भयानक स्थिति आ रही है, और क्या कह रहे हैं कि इस बार सच में बहुत भयानक होगी, और पहले तो फिर भी ये था कि चलो 5 दिन 10 दिन आदमी जी गया, इस बार कह रहे हैं कि इतना भयानक रहेगा ये कि दूसरे तीसरे दिन भी आदमी पता लगे उससे पहले मर जाएगा, और ये बच्चों में ज्यादा फैलेगी। तो एक जिम्मेदारी, मॉरल ड्यूटी भी तो होती है ना। अब आपका क्या चल रहा है सेशन, तो ये क्वेश्चन सरकार से पूछे जाने चाहिए इस टाइम पर, चाहे किसी की भी सरकार हो, कि अगर अमेरिका अपने बच्चों की केयर के लिए कुछ दिनों के अंदर इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला सकता है तो इंडियंस भी तो टैक्स भरते हैं, बहुत सारे काम रोके जा सकते हैं जिनको रोक के, और आप अमेरिका जैसे देशों से बातचीत कर लो कैसे डेवलप की गई, क्या हुआ। आज आप जानते हैं इंटरनेट का टाइम है, सबको सारी इन्फॉर्मेशन तभी मिल जाती है, तो क्या कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं कि काम कर लें, है ना। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हाहाकार मचेगा जैसे वेव आएगी ना, फिर जैसे सेकंड में हुआ था ना कि क्या करें कहां जाएं, पैसे देके भी तो जान नहीं बचती, दिक्कत ये है, इतना बुरा हाल फिर ऐसा ही होगा। लेकिन हमने कोई तैयारी नहीं की, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। विदेशी इस मामले में तेज होते हैं, सरकार को भेजा है तो जवाब नहीं है, कहाँ है जी सरकार, सरकार क्यों नहीं कुछ काम करी जबकि पता है कि ऐसा हो सकता है। जैसे नहीं होगा बहुत अच्छी बात है, भगवान ना करे ऐसा हो, क्योंकि अगली पीढ़ी देश का भविष्य है तो उसको पहले ही सेफ रखें। लेकिन एक होता है ना मॉरल ड्यूटी कि अगर हो गया तो मैंने क्या कर रखा है, तो उस पार्ट पे हम कमजोर है ना, हम क्वेश्चन करते ना कोई सोचता इस बारे में। और तो और आपको देखो इस टाइम पे आपका स्वास्थ्य मंत्री बदल गया, पता है ना आपको कैबिनेट में, तो अब जितना जिसने 2 वेव देख ली थी उसको कहा आप हट जाओ और नए को उठा के बना दिया, आप संभालो स्वास्थ्य का सारा काम। इस बार जो आपका स्वास्थ्य मंत्री बनाया वो डॉक्टर भी नहीं है, पिछला कम से कम डॉक्टर की डिग्री तो लेके बैठा था हर्षवर्धन, कुछ तो पढ़े लिखे थे ही, तो कह रहे हैं वो तो फेल रहे, इस बार ये नया एक्सपेरिमेंट ठीक है। नया एक्सपेरिमेंट कितना ठीक है इस टाइम पर जब आपके देश में एक खतरा मंडरा रहा है बच्चों पर, तो ये जवाब दे ही नहीं है आपके देश में। चलो, तो कह रहे हैं कि विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से किसके कामकाज पे टीका टिप्पणी करते हैं मंत्रालय, कि क्या कर रहे हैं मंत्रालय, आलोचना करके मंत्रियों द्वारा पेश विधेयकों को नामंजूर कर सकते हैं, बजट अस्वीकार कर सकते हैं, लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आगे पढ़ाऊंगी इसको, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपकी समझ में आ जाने चाहिए। अगली हेडिंग पे आ जाओ, लोकसभा की विशेष शक्तियां, क्या क्या समझ में आया तुम्हें, लोकसभा पावरफुल है या राज्यसभा, कौन से विधेयक सिर्फ लोकसभा में जाएंगे, आपकी चुनी सरकार लोकसभा में बैठी है राज्यसभा में, तो जवाब दे ही लोकसभा वालों की है राज्यसभा वालों की, आप क्वेश्चनिंग किससे करेंगे, इकट्ठे बैठेंगे तो किसकी चलने के चांसेस हैं, इसका मतलब सारी ताकत, मेजर ताकत किसके हाथ में है। लेकिन 2 आर्टिकल राज्यसभा के पास है, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312, नए IAS, IPS, IFS और 249 राज्य सूची का विषय उठा के किसको सौंप देना, बस आज का ये लास्ट जल्दी से पढ़ लो। लोकसभा की विशेष शक्तियां, पहला पॉइंट देखो, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग केवल लोकसभा ही कर सकती है, केवल लोकसभा में ही, अंडरलाइन कर लो, धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं, वो उसे संशोधित या अस्वीकार कर सकती है, मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं, राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती, ऐसा इसलिए है कि राज्यसभा को जनता नहीं, अंडरलाइन कर लो, बल्कि विधायक चुनते हैं। राज्यसभा को किसने भेजा है आपने, इनडायरेक्ट, आपने डायरेक्ट कहां बैठा रखे,